बहुत जमात दहम के तीसरे सबक भोला के तीसरे वीडियो में आपका इस्तबाल है उम्मीद है कि पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आखिर तक देखिए और हमें मौका दीजिए कि हम आपको आपके लिए इसी कस्म के बेहतरीन वीडियो हमेशा बनाकर लेकर आ सकें अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और पंद्रह बीस मिनट आराम के लिए निकाल सकता था भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोले से कहा आप कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम ज़िम्मेदार होगे और मैंने भोले को दोपहर के वक्त सात शहजादों और सात शहजादियों की कहानी सुनाई यानी कहानी कौन सी थी सात शहजादों और सात शहजादियों की भोला हमेशा इसकी कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादे और शहज़ादी की शादी हो जाए मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर ख़ुशी की कोई अलामत ना देखी बल्कि वह अफसरदा मुँह बनाए हल्के हल्के कापता रहा अब देखिए भोला एक मासूम बच्चा था और बूढ़े की इस बात से वो खुश ना ना होकर बल्कि डरा हुआ था पता नहीं किस वजह से डरा हुआ था देखेंगे इस ख्याल से कि पटवारी खानखा वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं अपने गाँव का रुख न कर ले मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दब दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा शाम को जब मैं वापस आया और जूही ही मैंने दहलीज में ख़दम रखा बोले ने कहा बाबा आज मामू आज मामू जी आएंगे ना फिर क्या हुआ बोला मैंने पूछा यानी उसकी मामू जी आने वाले थे मामू जी अगन बोट लाएंगे मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा बाबा हमारे तो मकई होती है ही नहीं बाबा तो वो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी यानी यहाँ पर अगनबोट या आग से चलने वाली कोई कश्ती होती है और मकई के भुट्टे और मिठाई अब ये तीन चीज़ें मामू जी लाने वाले थे भोला के याद रखना ये या आपको सरगर्मी में आ सकता है मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूब खुण, खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज सात शहजादों वाली कहानी के बयान बयान में से इसने याद रखे यानी ख्वाब में भी ना देखी होगी ये कहानी के अल्फाज थे जीता रहे मैंने दुआ देते हुए कहा बहुत जहीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा यानी बूढ़ा दादा अपने पोते को दा दुआ दे रहा है शाम होते ही बोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शकल देखते ही अंदर की तरफ़ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए यानी देखिए छोटे बच्चों को किसी मेहमान के आने का कितना इंतज़ार होता है ख़ास तौर पर कोई करीबी अजीज हो और खिलौने या मिठाई लाने वाला हो दियो को दिया सलाई दिखाई गई जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता दियो की रोशनी ज़्यादा होती जाती तब मुतफ़ कर आना लहजे में माया ने कहा बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए यानी मुतफक् यानी फिक्र करते हुए मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो राखी के रूप में डाक में भेज देंगे मगर राखी यानी भाई अगर राखी नहीं बंधवाए तो उसकी फिक्र हो गई है बहन को जबकि भाई अगर डाक से रुपये भी भेजे तो उसका ख्याल नहीं हाँ राखी की कहो इन्हें अब तो अब तक तो आ जाना चाहिए था मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफक़ कराना लहजे में कहा माता जी मामू जी क्यों नहीं आए यानी भोले को भी अपने मामा की फिक्र हो गई थी माया ने माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले फिर भोला कुछ देर बाद सो गया यानी भोला तो थक गया था इसलिए सो गया माया का भाई अभी तक नहीं आया था मैं सितारों की तरफ़ देखते देखते होने लगा यकायक का माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली और दूध का कटोरा लिए खड़ी थी बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा